जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जारी में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रीजनल डेवलपमेंट की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी कोर पेरीफेरी मॉडल, उसी के आगे आज एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी की डिस्कशन करना है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कि जो रीजनल इम्बैलेंस की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, गुन्नार मिडल की। तो आइए देखते हैं और उनकी थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन यानी संचयी कारण प्रभाव, किसका? मिडल महोदय का। एक विद्वान थे जिनका नाम था गुन्नार मिडल, ठीक है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे गुन्नार मिडल। तो इन्होंने डेवलपमेंट से रिलेटेड एक थियरी दी जिसका नाम क्या है? क्यूमुलेटिव कॉजेशन थियरी। क्यूमुलेटिव कॉजेशन थियरी का मतलब हुआ संचयी कारण प्रभाव, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी, संचयी कारण सिद्धांत, ठीक है, संचयी कारण सिद्धांत। तो इसमें गुन्नार मिडल ये बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, रीजन में, प्रदेश में जो आपका जो विकास पाया जाता है, तो विकास में असंतुलन क्यों पाया जाता है, इसके बारे में ये चर्चा करते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार आप ये देखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर क्या पाया जाता है, क्षेत्रीय स्तर पर विकास में असंतुलन पाया जाता है, डेवलपमेंट इम्बैलेंस पाया जाता है, यही प्रोसेस ठीक नेशनल लेवल पे भी होता है। इसे आप देखते हैं कि आप अगर भारत को ले लें तो भारत में, अगर आप यूपी को ले लें तो यूपी में देखेंगे कि कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप है, जैसे मान लीजिए नोएडा हो गया, ठीक है, कुछ एरिया बहुत ही कम डेवलप है, जैसे मान लीजिए सोनभद्र हो गया। तो इसका क्या कारण है? और जब ये क्षेत्रीय स्तर पे है तो ऐसे ये नेशनल लेवल पे होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्र, जैसे बिहार पिछड़ा हुआ है और बेंगलुरु क्या है आप पर, कर्नाटक आपका क्या है, बहुत ही आगे है विकास के मामले में, तो ये चीज सेम नेशनल लेवल पे लागू होती है। और यही चीज सेम कहाँ पे लागू होती है? इंटरनेशनल लेवल पर। ये तीनों लेवल पे बात करते हैं, यानी क्षेत्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं कि विकास में जो असंतुलन पाया जाता है वो उसका क्या कारण है। तो उसका कारण ये अच्छे से बताते हैं, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि मिडल महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक थियरी एंड डेवलपमेंट रीजन, ठीक है, इकोनॉमिक थियरी एंड डेवलपमेंट रीजन, आर्थिक सिद्धांत और विकास नियु क्षेत्र, ठीक है, इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक थियरी एंड डेवलपमेंट रीजन, इस पुस्तक में ही इन्होंने ये थियरी दिया। इस थियरी का नाम क्या था? क्यूमुलेटिव कॉजेशन थियरी, ठीक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया कि जो है, जो विकास होता है, जब विकास कहीं पर यानी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा तो उसके कारण वहां पर क्यूमुलेटिव कॉजेशन इफेक्ट प्रोसेस यानी संचयी कारण प्रभाव प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि जब ये विकास स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा? क्यूमुलेटिव कॉजेशन इफेक्ट प्रोसेस जो है उत्पन्न होगा। तो ये क्यूमुलेटिव कॉजेटिव ये इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कॉजेटिव इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि जब यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा? डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, विकास स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल बाहर से आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर रॉ मटेरियल का डेवलपमेंट होगा, रॉ मटेरियल होगा। क्यों माइग्रेशन होगा? क्योंकि यहाँ पर वेज रेट ज्यादा होगा जहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जिसके कारण ये एरिया क्या होगा? ये एरिया और क्या होगा? डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड होने के बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज काम करेगा, ठीक है, जिसके कारण इसके आसपास के भी रीजन क्या होंगे? डेवलप होंगे। जब डेवलप होगा लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ने के बाद डिमांड शुरू होगा, और डिमांड शुरू होने के बाद क्या होगा? पुनः सप्लाई बढ़ेगी, और ये एक प्रकार से ये जो क्यूमुलेटिव काजन है, ठीक है, काजन ये संचयी कारण है, ये चलता रहेगा और विकास क्या होगा? आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी को उन्होंने बताया क्यूमुलेटिव कॉजेटिव इफेक्ट, ठीक है, संचयी कारण प्रभाव, कि कहीं पर जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद वहां पर रोजगार का फॉर्मेशन होगा, जनरेशन होगा, ठीक है, रोजगार जनरेट होगा, लोगों की डिमांड जो है इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो पुनः क्या होगा? लोग जो क्या करेंगे, जो ये इंडस्ट्रीज होगा ये और क्या होगा? प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए इसको और लेबर की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रकार ये एक संचयी कारण प्रभाव
उत्पन्न होगा, जिसके कारण विकास का इंजन क्या हो जाएगा, एक बार चालू हो जाएगा तो ये बंद नहीं होगा और ये विकास पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण आगे बढ़ता रहेगा। इसी को इन्होंने क्या कहा, क्यूमुलेटिव काजेटिव इफेक्ट बोला। अब ये बात करते हैं कि ये जो क्यूमुलेटिव काजेटिव इफेक्ट है, इस इफेक्ट के कारण दो और इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, जिसको एक इन्होंने बोला बैकवाश इफेक्ट, ठीक है, और एक को बोला इन्होंने स्प्रेड इफेक्ट, ठीक है। बैकवाश इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकारी प्रभाव, ठीक है, या पश्च प्रभाव, और स्प्रेड इफेक्ट को बोलते हैं अग्रगामी प्रभाव, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जब इनके अनुसार ये कहने का मतलब है कि जब कहीं पर क्या होगा कि डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वहां पर दो तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है, एक बैकवाश इफेक्ट और एक क्या होता है, एक होता है आपका स्प्रेड इफेक्ट। मान लीजिए इस एरिया में क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या इनफ्लो होगा, यहाँ पर इसके आसपास से कैपिटल का इनफ्लो होगा, ठीक है। कैपिटल यहाँ पर आएगी, टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा, माने यहाँ के जो लोग हैं ये यहाँ पर क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो व्यापार किसका बढ़ेगा, व्यापार इसी का बढ़ेगा, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। और जो इसके आसपास का रीजन है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है असंतुलन की स्थिति आ जाएगी कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा और इस वाले रीजन में डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये बैकवाश इफेक्ट के कारण ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ का कोई लोग था, यहाँ का कोई जो है एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पर जन रोजगार के कारण ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया, तो जब ये शिफ्ट करता है तो ये खुद नहीं जाता बल्कि अपनी क्या ले जाता है, स्किल ले जाता है, तो जो स्किल इसको यहाँ पे लगाना चाहिए वो लगा रहा है यहाँ पर, तो डेवलपमेंट किसका होगा, इसी का तो होगा, यही तो हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक होती है, ठीक है, जिससे बैन लगाने की बात की गई, तो अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं, जितने भी IITN हैं, ठीक है, जितने भी जो है जो बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट हैं, उनको क्या करते हैं, बाहरी देशों से हायर कर लेते हैं। हायर करने का मतलब क्या है, उनकी बुद्धि को हायर कर लिए, ठीक है। जब वो हायर कर लिए तो यहाँ से ये चले गए तो अपने साथ कैपिटल ले, क्या हुआ, उनका ब्रेन ले गए, ठीक है। यहाँ से जो इसके आसपास के जो कैपिटल है वो भी यहाँ पर इन्फ्लो करेगा, यहाँ की टेक्नोलॉजी इन्फ्लो करेगी, तो ये रीजन क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएगा, और ये रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर असंतुलन क्रिएट हो जाएगा, यानी ये जो व्यक्ति था इतना पावरफुल था वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसी प्रकार के प्रभाव को क्या बोलते हैं, बैकवाश इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकवाश इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट में क्या होता है कि जब ये रीजन डेवलप हो जाता है तो डेवलप के कारण क्या होता है, ये बाहर की तरफ फैलता है, ठीक है, बाहर की तरफ क्या करता है, फैलता है, जिसमें क्या होगा कि कैपिटल भी, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति, लेकिन ये दोबारा जब यहाँ वापस लौट के आता है तो बहुत सारा आएगा, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इंडस्ट्री लगा सकता है, ठीक है, अपनी जो है हाई जो है अपना जो स्टेटस है वो इसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है। ये जो ट्रेड होगा ये इससे व्यापार कर सकता है, ठीक है, ये भी यहाँ इंडस्ट्री लगाकर यहाँ पर इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो इस प्रकार के जो कोर से बाहर की तरफ फैलता है, ऐसे इफेक्ट को क्या बात करते हैं, ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट, ठीक है, यानी आपका जो है जो प्रभाव है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो आपके जो मिडल महोदय है ये कहते हैं कि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं यानी विकासशील राष्ट्र हैं, उसमें जो ये बैकवाश इफेक्ट होता है ये काफी स्ट्रांग होता है, क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ये वास्तविक भी है। जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए किसको, इंडिया को ले लीजिए, ठीक है, इंडिया क्या है, इंडिया एक आपकी डेवलपिंग कंट्री है। तो इन्होंने ये बताया कि जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर इन्होंने ये बताया कि जो बैकवाश इफेक्ट है बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में बैकवाश इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो कैपिटल है आपका जो लेबर है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, किस देशों में, डेवलप्ड कंट्री में, USA जा रहा है, जापान जा रहा है, क्योंकि उसको वहां पर क्या मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। व्यापार भी क्या हो रहा है, हमारा बाहर की तरफ हो रहा है, यानी जो हम विकसित देशों के साथ व्यापार करते हैं उसमें भी हम लोगों को थोड़ा बहुत क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये बाहर की जो जा रहा है, और जब कोर
को तो इन्होंने बैकवास इफेक्ट बोला। तो इन्होंने ये बताया कि डेवलपिंग कंट्री में ये जो बैकवास इफेक्ट होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जो ये स्प्रेड इफेक्ट होता है ये बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि एक बार यहाँ से जो अमेरिका चला जाता है वो क्या करता है, वहीं पर बस जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है, बस जाता है। यानी एक तो वहां का वो कैपिटल लेकर गया अपना ब्रेन, और वहीं पर क्या किया, उनके देशों का विकास किया, और विकास करने के बाद वो भारत नहीं आया, बल्कि उनके विकास का पैसा कहाँ लग रहा है, उन्हीं के देश में, क्योंकि उन्हीं के देश में महंगी गाड़ी खरीद रहा है, उन्हीं के देश में घर बना रहा है, तो घर बनाने के कारण जो भी खरीदेगा तो उन्हीं के देश से खरीदेगा। तो ये जो आपका स्प्रेड इफेक्ट है बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। ये क्या होगा है, वीक होता है। वीक होने का मतलब ये जो स्प्रेड है यहाँ नहीं फैल रहा है बल्कि और इधर ही फैल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वहां पर आपका क्या है, बैकवास इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग का मतलब समझ गए क्यों होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री से इंडिया से कोई अमेरिका जो है कमाने के लिए जाता है, लेकिन अमेरिका से इंडिया वो नहीं आएगा, किसके पर्पज से, अर्निंग की पर्पज से, ठीक है। इंडस्ट्री आ सकती है, ठीक है, लेकिन कोई जो है IITian नहीं आएगा जो यहाँ पर क्या करने, अर्निंग करने। और जो स्प्रेड इफेक्ट है यानी जो कैपिटल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट का जो बाहर की तरफ क्या होता है मूवमेंट होता है, वो भारत से किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ तो हो नहीं रहा है, परी अमेरिका से भारत की तरफ तो हो नहीं रहा है गवर्नमेंट का जो है मूवमेंट हो रहा है, कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है, बल्कि भारत की ही तरफ से हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने ये बोला कि डेवलपिंग कंट्री में बैकवास इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन जो स्प्रेड इफेक्ट है जिसके कारण जो विकास फैलता है वो बहुत ही वीक होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अमेरिका से वापस आकर यहाँ पर विकास करने का प्रयास करते हैं। इसी के कारण जो विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है, और जो विकसित राष्ट्र हैं, जो विकसित कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसीलिए इस विकासशील और विकसित कंट्री के मध्य क्या हो जाता है, विकास में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, असंतुलन क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये क्रिएट कहाँ हो सकता है, किसी भी एरिया में, ठीक है, जैसे यूपी को ले लिया जाए, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में माइग्रेट करते हैं, किसके कारण, अर्निंग के कारण। तो यहाँ से गए, कैपिटल ले गए, खुद भी गए, ठीक है, वहीं पर बहुत सारे लोग बस गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका बैकवास इफेक्ट क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन स्प्रेड इफेक्ट उधर से कुछ इधर नहीं आ पा रहा है, तो इधर का विकास नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिया में रीजनल जो है क्या हो रहा है, डेवलपमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इसी दो कारणों से क्या हो रहा है कि किसी भी स्थान पर, चाहे आप रीजनल लेवल की बात करें या आप कहाँ बात करें, आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, इसी के कारण क्या हो रहा है, आपका उत्पन्न हो रहा है क्या, विकास में असंतुलन, आपका डेवलपमेंट में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यही सारी कहानी किसने बताई है, आपकी मिडल महोदय ने, किसमें बताया है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड डेवलपमेंट रीजन के बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो है ये जो क्यूमुलेटिव काजेशन थ्योरी था ये किसने दिया था, तो गुन्नार मंडल ने दिया था, ये इन्होंने किस पुस्तक में लिखा था, ये भी पूछा जा सकता है। स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। बैकवास इफेक्ट क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे स्टेटमेंट में चार स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो डेवलपिंग कंट्री है, या ऐसे दे दिया जाएगा कि भारत में देखा जाए तो स्प्रेड इफेक्ट क्या है, काफी स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग तो है नहीं, आप समझे रहे ना स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है, तभी तो लगा पाएंगे। या वो ऐसे दे देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, चार ऑप्शन दे देगा, पांच ऑप्शन दे देगा कि बताइए कि जो विकासशील राष्ट्र होते हैं वहां पर क्या होता है कि जो बैकवास इफेक्ट होता है काफी स्ट्रांग होता है। बात सही है कि विकासशील राष्ट्रों में बैकवास इफेक्ट काफी स्ट्रांग होता है, यहाँ से सारी चीजें बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। तो यही बात है, ये बताने का प्रयास किए। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट होता है उसका चार स्टेज है, इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नो इंटीग्रेशन स्टेज होता है, फिर डिफ्रेंशिएशन स्टेज, फिर डिस्पर्सन स्टेज, और लास्ट में इंटीग्रेशन स्टेज होता है। इस चार स्टेज की इन्होंने बात की, जैसे चार स्टेज की बात की थी आपके फ्रिडमैन महोदय ने। तो इतने पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट करके रखना है कि स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है और बैकवास इफेक्ट क्या होता है, जो ये जो है क्यूमुलेटिव काजेटिव इफेक्ट है वो क्या होता है, किसने दिया था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।